नो इफ एंड बट, लेकिन सारा इफ एंड बट है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो तहसीन, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज के बाद कभी भी, चाहे वो राम रहीम हो या आसाराम बापू हो, उनके आगे जी मत लगाइएगा। जिन जघन्य अपराध के लिए वो जेल में हैं, उनके आगे जी लगाना शोभा नहीं देता। खैर, बात आते हैं मुद्दे के ऊपर, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ओरिजिनल मुद्दे से। देखिए, हमने देखा किस तरीके से वो एक छोटी लड़की के साथ जो पढ़ रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी अपना, उसके साथ पहले तो सरकारी बलात्कार होता है। सरकारी बलात्कार इसीलिए क्योंकि सरकार के संरक्षण में हुआ। मुख्यमंत्री एक महिला है, पूरे देश की एकलौती मुख्यमंत्री महिला है, वहाँ की गृह मंत्री वही है, वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर भी वही है, और लगातार जिस तरीके से पूरी सरकार एकजुट हुई हुई है शासन और प्रशासन दोषियों को बचाने के लिए, तो ये जाहिर सी बात है ये सरकारी बलात्कार है। लेकिन आज जब हमने उनकी सांसद महुआ मित्रा, जो काफ़ी समय से चुप बैठी हुई थी, उसके बाद समाज को दोषी ठहरा रही थी, आज जो उन्होंने कहा, उसके सरकारी बलात्कार के बाद आज उसका सामाजिक बलात्कार किया गया। उसका आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका चीरहरण किया जा रहा है, ये सारी बातें बोल के जिस तरीके से वो दिख रही है। रूबिका जी, गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टीएमसी के बड़े से बड़े नेता, उनका छोटा से छोटा कार्यकर्ता और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, आज हाथ जिनके बचा रहे हैं, कल वो हाथ आप पे, मेरे पे, हमारे बच्चियों पे, ऐसे लोगों के पहुंचेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके पीछे संरक्षण बड़े बड़े लोगों का होगा। और बहुत शर्मिंदगी की बात है, नेता प्रतिपक्ष अपने आप को कहते हैं मैं हर मुद्दे पे बोलूंगा, ट्वीट करके कहते हैं मैं देखता हूं मुझे यहां जाने से कौन रोकेगा, मुझे वहां जाने से कौन रोकेगा, लेकिन अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो क्या बोलते हैं, उनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती। उन्होंने ही नारा दिया था ना, महिला न्याय, और बहुत जोर जोर से कहते हैं डरो मत। आज मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, राहुल जी डरो मत, ममता बनर्जी से मत डरो। और देखिए ना रूबिका जी, अगर राहुल गांधी डर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि बच्चन डर रहे हैं, कि सभी लोग डर रहे हैं, कहां है वहां की लोगों का, महिलाओं का क्या हाल है, इनको वो कितना डरते होंगे उस औरत के शासन में, जब इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े राज का निवार के लोग डर गए, और ममता जवाब भी तो जरूरी है ना, शब्द नहीं बोल पा रहे, तो सोचिए डर और खौफ कितना होगा हर लड़की के अंदर। I think राधिका जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, ऐसी पुनः लगातार मेरे तीन चार मेहमान और हैं, पहले मैं उनसे बात कर लूं, उसके बाद दस सेकंड दे दीजिए रिप्लाई का, दस सेकंड दे दीजिए रिप्लाई का, दस सेकंड और मेहमान बड़े बड़े देर से, दस सेकंड मैं राधिका, हाँ राधिका वाकई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन राधिका को सही आपत्ति हुई, मैंने जी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जिन लोगों के लिए मैंने जी शब्दों का प्रयोग किया उनको छोड़ने वाली भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार ने कोर्ट में पहल किया उनको छोड़ने की। दूसरी बात और जो जरूरी बात, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड नहीं नहीं पांच सेकंड मनमोहन सिंह जी ने स्पेशल सेशन बुलाया था, ठीक है उन सबका जवाब जब एक बार फोन कनेक्ट हो जाएगा राधिका जी जवाब दे देंगी। आबा जी यहाँ पे भले ही आप कह दीजिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, 10 लाख